Run. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस मैं आ चुका एक और ब्रांड न्यू खतरनाक वीडियो के साथ। तो भाई आज का वीडियो ना आपके लिए जो बंदा रैंक पुश करता है उन सब के लिए ना भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई देखो, मैं तो देखो सोलो में प्रेफर करता हूँ हर किसी को, भाई हर कोई सोलो में रैंक पुश करो, और सोलो में ना भाई बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो भाई आज का वीडियो अपना पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई सोलो में कैसे खेलें। और सोलो में ना भाई बहुत से बंदों की ये दिक्कत होती है ना, उनसे बंदे मरते हैं या वो बंदे एंड जोन में नहीं जा पाते हैं, उनको कम प्लस मिलता है। तो अपना सारा का सारा वीडियो आज उसी चीज़ के ऊपर है। गाइस अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई देखो, सोलो में ना खेलने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास है ना भाई देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप सामने वाले बंदे से बिना डरे फाइट आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई कॉन्फिडेंस की। अब रही बात फाइट की। देखो भाई, स्टार्टिंग में फ़ाइट है ना कोई भी बंदा आपको रिकमेंडेड नहीं करेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में फ़ाइट बिल्कुल ही मत लो। कोई बिल्कुल ही साइड वाली जगह पे उतर जाओ, क्योंकि भाई बहुत सारी जगह है, सेवरनी है, झरकी है, क्योंकि हर एक बंदा उधर रैंक पुश करने के लिए आता है। अब ये मत सोचना कि भाई उधर मैं जाऊँगा तो उधर और बंदे आते हैं। तो भाई देखो, सारे बंदे उधर रैंक पुश करने के लिए आते हैं। अगर आप उनसे फ़ाइट लोगे, जो सिचुएशन आपकी होगी वही सिचुएशन सामने वाले बंदे की होगी। तो आज की गेम में मैं बिल्कुल ही भाई प्रॉपर रश करके नहीं खेलने वाला। खेलेंगे एंड जोन में, जाएंगे बंदा मारेंगे। तो भाई अपने एंड जोन में कैसे जाते हैं आपको सबसे पहले वही चीज़ दिखाएंगे। अपनों को ब्रिज क्रॉस ही करना पड़ता है, और तो और भाई अपनों को स्टार्टिंग में कोई किल भी नहीं मिलता। तो भाई मेरे को अगर स्टार्टिंग में किल नहीं मिलता तो भाई मेरे को ना थोड़ा खेलने का फिर मन नहीं करता, मेरे को ये होता है कि गेम एग्जिट कर दो। तो बट अपने भाई पूरा एंड जोन तक जाते हैं, देखना किस कदर बंदे मारेंगे और किस कदर एंड जोन में जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। तो अब जल्दी से पूरी सेवरनी लूट करते हैं। तो भाई ये मॉन्स्टर को मार दिया। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको एक कोई गन मिल जाए, और तो और हेलमेट वेस्ट, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वन वी वन की फ़ाइट ले रहे हो ना किसी भी बंदे के साथ। तो भाई हेलमेट वेस्ट तो भाई देखो नंबर वन पर रखना, ठीक है। उसके बाद तो सबको पता है भाई देखो, गन तो चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गन और हेलमेट वेस्ट है तो भाई बिना डरे बंदे को ऊपर रश कर दो, क्योंकि भाई आपके पास हेलमेट वेस्ट है और तो आपके पास गन है। अगर आप ऐसे सोलो में डर डर के खेलोगे या सामने कोई बंदा आ जाएगा, फिर तो देखो कोई भी मतलब नहीं है रैंक पुश करने का। तो ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर गन भी हो जाती है और हेलमेट वेस्ट तो देखो भाई लेवल 3 का सबको पता ही है। अब जल्दी से अपने गाड़ी ढूंढते हैं और इधर से निकलते हैं। तो भाई देखो, जोन आ चुका था। अगर आप भी जोन के अंदर होल्ड करना चाहते हो तो भाई आप भी जोन के अंदर होल्ड कर सकते हो, बट आपके पास अच्छी हेल्थ वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को गाड़ी मिल जाती है, अब डायरेक्ट अपने जोन में निकलते हैं। देखो भाई, मैं वो आपके ऊपर, आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करते हो। देखो मैं तो बग्गी लेना प्रेफर करता हूँ, या तो मैं लेना जीप, क्योंकि जीप भी मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है, और तो और मेरे को लगती है बढ़िया बग्गी, ठीक है। आप जोन सी गाड़ी के अंदर कम्फर्टेबल हो आप भी भाई वही वाली गाड़ी लो, नहीं तो भाई और कोई गाड़ी उठाओ मत, ठीक है। अब अपने जल्दी से निकलते हैं ब्रिज क्रॉस करने के लिए। देखो भाई, पूरा का पूरा जोन देख सकते हो, मिलिट्री बेस वाली साइड बना है। तो भाई यहाँ पर मैं जोन के पास आया तो इतनी देर में एक बग्गी मेरे पीछे लग जाती है। तो भाई देखो, यहाँ पर प्रॉपर मैंने कवर में गाड़ी रोकी, बट भाई ये वाले बंदे को मारने लग रहा था इतनी देर में, वो जो सामने स्क्वाड वाला बंदा था उसने मुझे मार दिया था। हालांकि अगर आप कभी भी रैंक पुश कर रहे हो ना ऐसे उतर के ओपन में, तो भाई कभी भी फाइट मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अपनों को ब्रिज क्रॉस करना था। अगर अपने अभी ब्रिज क्रॉस करेंगे ना भाई, वहाँ पर जितने भी कंपाउंड है ना ब्रिज के पास, सारे के सारे बंदे उधर ही होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि वह उन सबको पता है कि ब्रिज के ऊपर पूरे के पूरे बंदे आने वाले हैं। तो सारे बंदे उधर ही कैंप करके बैठे हैं। देखो भाई, अब अपनों को ना इधर तब तक होल्ड करना है जब तक पूरा जोन ब्रिज के ऊपर से निकल नहीं जाता। अब पूरा जोन, मेरा कहने का मतलब है, वो आपको पूरी वीडियो में पता लग जाएगा कि मैं किस वक्त जोन क्रॉस या ब्रिज क्रॉस करता हूँ। तो भाई यहाँ पर अब ब्रिज के ऊपर से ना एक बंदा मेरी नीचे गाड़ी तोड़ रहा होता है, जो कि मेरे को पता लग जाता है। तो मैं इधर से जंप करता हूँ और मेरी गाड़ी सेव करने लगता है। इतनी देर में भाई पता लगता है कि उस बंदे ने तो गाड़ी तोड़ी दी। तो भाई देखो, ये वाली सिचुएशन आपके साथ ही होती है कि भाई बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो दूसरों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बंदा सपोर्ट करता हूँ, बट बंदा तो सपोर्ट मुझे होता नहीं है। तो वहाँ पर मुझे पता लग जाता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर बंदा है।
तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा जोन देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर रुकने का ना कोई भी मतलब नहीं होता, तो भाई यहाँ से मैं जल्दी से निकल जाता हूँ क्योंकि भाई जोन ही बहुत ही छोटा होता है और तो और मेरे को जोन में जाना था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे को याद होता है कि सामने स्क्वाड हाउस से एक बंदे ने यहाँ पर बग्गी वाले को उतारा था, तो सबसे पहले अपने उसकी बग्गी लेने का ट्राई करते हैं, बट उसकी बग्गी भी ना पूरी की पूरी टूट जाती है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी, जो पूरा ब्रिज था ना पूरा का पूरा क्लियर था, ठीक है, बट वहाँ पर जिस बंदे ने अपनी गाड़ी तोड़ी है वो वाला बंदा उधर ही होल्ड करके अपनों को पूरा देख रहा होगा, बट उसके लिए मारना थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि भाई जोन छोटा है और उसको भी भाई पूरा का पूरा डैमेज जोन का पड़ रहा है। मैं भाई पूरा लेफ्ट वाली साइड आया तो हम यहाँ पर देखो अपनों को गाड़ी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को एक बग्गी मिल जाती है, तो भाई जैसा कि बताया ये तो भाई देखो अपने अपने लक की बात है, किसी किसी को गाड़ी मिल जाती है किसी किसी को गाड़ी नहीं मिलती। तो सबसे पहले अपने ड्रिंक कर लेते हैं, अगर देखो भाई अगर आपको गाड़ी ना मिले ना तो डायरेक्ट पानी से निकल जाओ क्योंकि भाई वहाँ पर फिर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो जोन बिल्कुल छोटा था, अब एक ही अपना मकसद था कि अपनों को ना गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकनी। तो भाई देखो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर तो आया था बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा होल्ड करके बैठा होगा, पर जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो भाई इतनी देर में ये वाले बंदे ने मेरे को डैमेज दे दिया। बट भाई देखो यहाँ पर जोन छोटा था इसलिए मेरे को इधर ही रुक के पूरी की पूरी हील करते हैं। देखो सामने वाले बंदे से फाइट लेने का रहा कोई भी मतलब नहीं, अगर अपने फाइट लेंगे तो अपनी जोन में मरने वाले। तो जल्दी से मैं मेरी बग्गी उठाता हूँ और इधर से पूरा निकल जाता हूँ क्योंकि भाई जोन के अंदर जाके मेरे को फाइट लेने का कोई मतलब था, पर यहाँ पर इतनी देर में वाला बंदा मेरी गाड़ी तोड़ देता है। यहाँ पर बाइक उठाते हैं वापस से जोन के लिए निकल जाते हैं, वाला बंदा थोड़ी बहुत फायर देता है बट भाई अपने इधर से निकल ही जाते हैं। अब देखो जोन के अंदर जाके ना प्रॉपर जोन के बिल्कुल एज के ऊपर ही होल्ड कर लो क्योंकि भाई वही एकदम बेस्ट जगह है अगर आपको एंड जोन में जाना है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं बाइक तो ले आता हूँ, तो यहाँ पर मेरी बाइक पलट जाती है। अब देखो बाइक को वापस अंदर बैठना फिर बाइक को स्टार्ट करना इतनी देर में तो भाई अपने पैदल ही जोन के अंदर निकल जाएंगे। अब देखो जोन के अंदर है ना बड़े आराम से जाओ पूरी की पूरी हील करके, ठीक है, क्योंकि देखो अभी जोन मतलब एंड जोन ही था पूरा का पूरा अपने जोन के बाहर से अंदर आके। और देखो अगर आप एंड जोन के अंदर बीचों बीच कोई भी कंपाउंड पकड़ोगे ना मोस्टली यही चांस होएगा कि आप मरोगे ही मरोगे क्योंकि भाई आपको ना किसी भी बंदे की लोकेशन नहीं पता क्योंकि भाई बंदे कैंप कर करके किधर से भी मार देते हैं। तो भाई देखो मिड जोन में जाना तो एकदम ही बेकार चीज़ है, तो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर है ना सामने मेरे को एक कवर मिल जाता है पेड़ का, तो भाई देखो ये वाला मेरे को पेड़ बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा था। अब देखना यहाँ पर भी ना बंदे कैंप करके बैठे होंगे, तो देखो प्रॉपर बिल्कुल जोन के अंदर आ चुका था मैं। अब जैसे जोन स्टार्ट होएगा अपने डायरेक्ट अंदर जोन में जाएंगे। तो भाई यहाँ पर हील कर रहा होता इतनी देर में सामने बंदा दिखता है, तो भाई देखो प्रॉपर ही अपने एज के ऊपर है और वो वाला बंदा भी इधर ही कैंप करके बैठा होता है जैसे वो जोन में पहले निकला और अपने ने वो वाले बंदे को ईजी मार दिया। अपने इधर ही होल्ड करते हैं क्योंकि भाई अभी एक मिनट पड़ा है पूरा जोन में जाने के लिए। तो भाई जैसे ही जोन स्टार्ट होता है मैं आगे वाली साइड पूरा भाग के आता हूँ और तो जल्दी जल्दी स्मोक कर देता हूँ। जो सामने वाला घर था ना वो थोड़ा बहुत जोन के अंदर था, तो भाई देखो अपने एंड जोन में तो आ चुके थे। अब यहाँ पर जिस बंदे से फाइट होगी भाई अपने को उस बंदे से फाइट लेनी ही पड़ेगी एंड जोन में, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब सामने बंदे की आवाज़ आ जाती है मेरे को, तो अपने पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है वो होता है ग्रेनेड का क्योंकि भाई ग्रेनेड एकदम बेस्ट चीज़ है सामने वाले बंदे को मारने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ग्रेनेड खोल रहता हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो वाला बंदा उधर ही आता है और वो वाला बंदा फट जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला कंपाउंड अपना हो जाता है। अब देखो अपने ना इधर ही होल्ड करके बैठ सकते हैं क्योंकि अपने पास भी जोन है, ठीक है। अब वो वाले बंदे की पेटी लूट लो, पेटी लूटने बट वो वाले बंदे की पेटी मेरे को AWM मिल जाते हैं, अपने इधर ही होल्ड करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो जो जोन स्टार्ट हो चुका था मेरे को लगा कि मेरे वाला घर पूरा का पूरा जोन में होएगा, पर भाई जोन देखना प्रॉपर भाई एक कोने की जगह भी नहीं दी वाले जोन ने मुझे। ये देखो भाई पूरा का पूरा मेरे को लगा चलो बाहर ही निकलते हैं और तो और मैं इधर ही आके लेट जाता हूँ। तो भाई जब तक जोन स्टार्ट ना हो भाई देखो जैसे कि वाला बंदे ने गलती करी बिना जोन स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये वाला बंदा पहले ही जोन में जाने के लिए भागने लग गया। तो भाई देखो ये वाला बंदे का किल भी अपनों को बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर जैसे ही जोन स्टार्ट होता है एक स्मोक कर देता हूँ, बट मेरे को पता था कि लेफ्ट के अंदर ना एक बंदा लिटा हुआ है, अगर मैं फायर ना देता तो भाई देखो मैं कवर में आ चुका था फिर भी ये वाले बंदे ने मुझे समझ नहीं आया कैसे मारा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।